दोस्तों, आप लोग अगर लोडिंग एंड सप्लाई के लिए टू व्हीलर्स खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर का काफ़ी सारा मॉडल इंडियन मार्केट में 2021 में देखने को मिल जाता है, जो कि सिर्फ सामान लोडिंग एंड सप्लाई के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऐसी 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जो कि आपको मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करवाता है, साथ में काफ़ी अच्छा फीचर्स भी प्रोवाइड करवाता है, और इन सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप काफ़ी अच्छा, सस्ता एंड अफोर्डेबल प्राइस में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर की अगर बात की जाए जो कि लोडिंग के लिए बेस्ट है, वो है ओकिनावा टू व्हीलर कंपनी का डुअल इलेक्ट्रिक स्कूटर। दोस्तों, यहाँ पर स्कूटर की बॉडी डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्कूटर सामान लोडिंग के लिए ही स्पेशली बनाया गया है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा लॉन्ग एरिया लेग रूम देखने को मिल जाता है। लोडिंग कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो 200 केजी का लोडिंग कैपेसिटी स्कूटर में आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी की अगर बात की जाए तो 48V 55 AH डिटेचेबल बैटरी स्कूटर में लगाया गया है, जिसको चार्ज करने में आपको 5 घंटे तक का टाइम देना पड़ेगा। 250 वाट का BLDC मोटर आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, स्कूटर की ओवरऑल ड्राइविंग रेंज की अगर बात की जाए तो एक बार स्कूटर को फुल चार्ज करने पर आप 125 किलोमीटर तक ड्राइव कर सकते हैं। टॉप स्पीड की अगर बात की जाए तो 30 KMPH का टॉप स्पीड स्कूटर में आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, यहां पर प्राइस की अगर बात की जाए तो ओकिनावा डुअल इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जिसका ऑन रोड प्राइस आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पर सेकेंड इलेक्ट्रिक स्कूटर की अगर बात की जाए जो कि लोडिंग के लिए बेस्ट है, वो है वारिवो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी का एंडीरो। दोस्तों, स्कूटर की फीचर्स एंड परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको सबसे ज़्यादा लोडिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। 350 KG तक का लोडिंग कैपेसिटी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बैटरी एंड मोटर परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 60V 27 AH का लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाता है, जिसको चार्ज करने में आपको 5 घंटे तक का टाइम देना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 1000 वाट का ब्रशलेस मोटर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप एक बार फुल चार्ज करने पर 60 किलोमीटर तक रन करवा सकते हैं। अब दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस की अगर बात की जाए तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको काफी सस्ता एंड अफोर्डेबल देखने को मिल जाता है। दोस्तों, वारिवो एंडीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर का ऑन रोड प्राइस है 54,800 रुपीज डेली शोरूम के हिसाब से। दोस्तों, लिस्ट में थर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर की अगर बात की जाए तो वो है कोमाकी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी का XJT कैट 2.0। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड सबसे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अब दोस्तों, स्कूटर की फीचर्स एंड परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 250 से लेकर 300 KG तक का लोडिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, बैटरी एंड परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 72V 42 AH का जेल एंड लिथियम आयन कैटेगरी का बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 110 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज प्रोवाइड करवाता है। 25 KMPH का टॉप स्पीड इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में दिया गया है। अब दोस्तों, यहां पर प्राइस की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जेल बैटरी का एंड लिथियम आयन बैटरी का। जेल बैटरी का ऑन रोड प्राइस है 75,000 रुपीज, लिथियम आयन बैटरी का ऑन रोड प्राइस है 88,000 रुपीज। दोस्तों, लिस्ट में नंबर 4th इलेक्ट्रिक स्कूटर की अगर बात की जाए तो वो है ओरेवा अरियाना इलेक्ट्रिक स्कूटर। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल एंड सस्ता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर की फीचर्स एंड परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 250 वाट का BLDC मोटर देखने को मिल जाता है। लॉन्गर लेग रूम, यानी कि लेग रूम में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस यहां पर प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों, स्टोरेज कैपेसिटी की अगर बात की जाए, यानी कि लोडिंग कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 150 KG तक का लोडिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहां पर बैटरी की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको 12V का बैटरी दिया गया है, जो कि 4 बैटरी आपको इस स्कूटर में देखने को मिल जाएगा। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप एक बार फुल चार्ज करने पर 70 किलोमीटर तक रन करवा सकते हैं। अब दोस्तों, प्राइस की अगर बात की जाए तो ओरेवा अरेना इलेक्ट्रिक स्कूटर का ऑन रोड प्राइस है 48,400 रुपीज। अब दोस्तों, नंबर 5 एंड लास्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर की अगर बात की जाए तो वो है एम्पायर V48। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आप नॉर्मल स्कूटर एंड लोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, स्कूटर की फीचर्स एंड परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 250 वाट का BLDC मोटर देखने को मिल जाता है। बैटरी की अगर बात की जाए, 48V 20 AH का लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाता है, जिसको चार्ज करने में आपको 4 से लेकर 5 घंटे तक का टाइम देना पड़ेगा। ओवरऑल ड्राइविंग रेंज की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप एक बार फुल चार्ज करने पर 60 किलोमीटर तक रन करवा सकते हैं। टॉप स्पीड की अगर बात की जाए
तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 25 kmph का टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों प्राइस की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का ऑन रोड प्राइस है 44,500 रुपीज डेली शोरूम के हिसाब से।